Chile, let's look at this one. इंडक्टर कॉम्बिनेशन बेसिकली, अगर सीरीज में हो और पैरेलल में हो तब इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं? विल जस्ट कोट द फॉर्मूला हियर, वी विल डिराइव एनीथिंग. इनका बिहेवियर जो है दैट्स एग्जैक्टली लाइक रेजिस्टेंसेस. दैट इज टू से अगर आपके पास कुछ इंडक्टर्स हैं, से L1, L2 एंड L3, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो है दैट इज सिंपल सम ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टेंस, समेशन ऑफ LI. इसमें एक चीज हम नेग्लेक्ट करते हैं कि म्यूचुअल इंड, देयर समथिंग वी कॉल एज म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है और ऑलमोस्ट एवरी टाइम विल नेग्लेक्ट दैट. म्यूचुअल इंडक्टेंस जब हम पढ़ लेंगे तब हम थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या इफेक्ट है. सो यहां पर वी आर नेग्लेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस. Neglecting mutual inductance या mutual induction. So अगर inductance series combination में है तो equivalent inductance जो है वो simple sum के बराबर है. Okay, simple sum. और अगर parallel combination में है, so we have an inductor, suppose L1, another inductor, suppose L2, another inductor, suppose L3. तो इनकी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो होगी वो वही जो रेजिस्टेंसेस में रूल है, 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1/LI. सो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3. ओके, फॉर अगर दो ही हैं L1 एंड L2 जैसे कि रेजिस्टेंसेस में होता है, दैट विल रिड्यूस टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, L1 L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 अगर दो ही हैं. तो सिंपल जो रेजिस्टेंसेस में आप करते हैं बस वही वहां पर भी करना है. सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर है तो इक्विवेलेंट जो है वो सिंपल सम के बराबर है, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट जो है वो रेसिप्रोकल सम होगा, और स्पेशल केस अगर सिर्फ दो है तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम. चलिए अब इस पे एक एक्सरसाइज देख लेते हैं. चलिए इसको देख लें. L1, L2 दिया हुआ है, R1, R2 दिया हुआ है, तीन सर्किट्स में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन सेम L1 एवरीवेयर, सेम L2 एवरीवेयर, सेम R1 एंड R2 एवरीवेयर. हमें टाइम कांस्टेंट बताना है कि इन तीन केसेस में किसके बराबर होगा. यहां पर देखें L1 और L2 जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और R1 और R2 फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में है. तो L equivalent जो होगा दैट सिंपली L1 प्लस L2 विच इज 1 प्लस 2 इज 3 मिली हेनरी, और R equivalent जो है दैट सिंपली R1 प्लस R2. अब R1 प्लस R2 1 प्लस 2 इज 3 ohms. ओके, अब टाइम कांस्टेंट जो है वो हमें पता है, टाइम कांस्टेंट जो tau होता है दैट इज L डिवाइडेड बाय R. So this is 3 millihenry divided by 3 ohms. 3 and 3 cancel. Remember, henry by ohm is second. Okay, L by R, jo hai, uske dimensions hote hain same as that of time. So henry by ohm is second. Milli saath mein rahega. So tau is equal to 1 millisecond. Okay, tau is equal to 1 milli. So pehle wale case mein time constant jo hai, wo 1 millisecond hai. You just have to see series combination hai ki parallel combination hai. अब यहां पर ये दो पैरेलल में है और फिर ये दो भी पैरेलल में है, तो सर्किट जो है दैट विल गेट रिड्यूस्ड टू बैटरी. इन दो के बदले में वी विल हैव वन इंडक्टर एल इक्विवेलेंट, और फिर जाके इन दो रेजिस्टेंसेस के बदले में वी विल हैव वन रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, और फिर ये. सो इस टाइम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है दोनों. So L equivalent जो होगा that is equal, now दो जो है parallel में है तो product divided by sum, product है 1 into 2 divided by sum, 1 plus 2 is 3, so ये है 2 divided by 3 millihenry. और फिर जाके equivalent resistance जो है, अब ये भी parallel combination में है तो product divided by sum फिर से 1 into 2 divided by 1 plus 2 is 3, so फिर से 2 by 3 ohms. So time constant, therefore tau is equal to
एल बाय आर, रिमेंबर एल डिवाइडेड बाय आर. अब एल जो है 2/3 है, ये भी 2/3 है, सो 2/3 मिली हेनरी डिवाइडेड बाय 2/3 मिली हेनरी, नहीं ओम्स, ये वाला ओम. 2/3 कैंसल्स आउट, अगेन हेनरी डिवाइडेड बाय ओम इज सेकेंड, मिली साथ में रहेगा, सो दिस इज अगेन 1 मिली सेकेंड, टाउ इज इक्वल 1 मिली सेकेंड. ओके, अब यहां पर इंडक्टर सीरीज में है लेकिन रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में है, तो सर्किट जो है दैट विल गेट रिड्यूस्ड टू इन दो इंडक्टर्स के बदले में आप एक एल इक्विवेलेंट उनका, और फिर जाके इन दो रेजिस्टेंसेस के बदले में एक आर इक्विवेलेंट और एल इक्विवेलेंट जो है एल वन प्लस एल टू, सिंपल सम 1 + 2 इज 3 मिली हेनरी, और आर इक्विवेलेंट जो है अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम 1 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 इज 3, सो 2 / 3 ओम्स. अब जाके टाउ जो है, टाउ इज एल डिवाइडेड बाय आर इज 3 मिली हेनरी डिवाइडेड बाय 2/3 ओम्स. ओके, ये बन जाएगा 9/2 हेनरी बाय ओम इज सेकेंड, मिली साथ में, सो मिली सेकेंड्स. ओके, विच इज 4.5 मिली सेकेंड्स. तो पहले वाले केस में 1 मिली सेकेंड, दूसरे वाले केस में भी 1 मिली सेकेंड, और तीसरे वाले केस में 4.5 मिली सेकेंड्स. Okay, let's look at this one. The equivalent inductance of two inductors is 2.4 Henry when connected in parallel and 10 Henry when connected in series. What is the value of inductance of individual inductors? Series combination mein LS mein likhunga is 10 Henry aur LP parallel combination mein it's 2.4 Henry. Okay. सो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि इंडक्टेंस जो है वो सिंपली एल वन प्लस एल टू होता है, सो एल वन प्लस एल टू इज इक्वल 10 हेनरी, या यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली 10 लिखते हैं, कॉल दिस इक्वेशन 1. और पैरेलल कॉम्बिनेशन में या लेट्स कॉल इट 1, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो है तो हमें पता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम है, सो एल वन एल टू डिवाइडेड बाय एल वन प्लस एल टू इज इक्वल टू 2.4. दिस इंप्लाइज एल वन एल टू इज इक्वल, अब एल वन प्लस एल टू इज 10, तो 10 को ऊपर लाते हैं, 2.4 × 10 इज 24, कॉल दिस इक्वेशन 2. नाउ इक्वेशन 1 से L1 या L2 का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और फिर जाके सॉल्व कर लेते हैं फॉर द अदर वन. सो दिस इंप्लाइज L1 को ऐसे रखते हैं, L2 के बदले में आई विल राइट 10 माइनस L1, सो L1 को यहां लाके इज इक्वल टू 24. सो दिस इंप्लाइज 10 L1 माइनस L1 स्क्वेयर्ड is equal 24. इस सब को वहां शिफ्ट करते हैं तो L1 squared minus 10 L1 is equal to 24. So this implies L1 squared, अब इसको I'll write it this way, plus is equal to 0. हमने यहां शिफ्ट किया सबको. L1 squared. Okay, now इसको 24, 6 into 4. Okay. So minus 4 times L1 minus 6 times L2 plus 24 is equal to 0. This implies L1 yahan par common. So L1 minus 4 minus 6 yahan par common. So L2, L1 it is. Okay. L1 minus 4 again is equal to 0. So this implies L1 minus 6 into L1 minus 4 is equal to 0. Therefore, L1 is equal to either 4 or 6. Equation 1 say, if L1 is equal to 4 Henry,
रिमेम्बर यूनिट पहले से हेनरी है तो यहां पर भी हेनरी होगा. इफ एल वन इज इक्वल टू फोर हेनरी, एल टू इज इक्वल, एल वन फोर है तो यहां आके टेन माइनस फोर बन जाएगा तो सिक्स हेनरी. एंड इफ एल टू इज इक्वल टू सिक्स हेनरी तो एल वन जो है, एल वन अगर सिक्स है यहां आएगा टेन माइनस सिक्स इज फोर, फोर हेनरी. तो अगर L1 4 है, L2 6 है, या L2 6 है, L1 4 है. So one of them is 4, the other one is 6. Okay, one of them is 4, the other one is 6. So दो inductors का value जो है, L's जो है, they are equal to 4 and 6. 4 Henry and 6 Henry. एक का value 4 Henry के बराबर है और दूसरे का value 6 Henry के बराबर है.